जी, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है एनपीआर का, इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इस फॉर्मूले का कैसे जनरेशन हुआ उसे समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट की हैं, चार एग्जांपल्स हैं, तो ये चार एग्जांपल्स हम कोशिश करेंगे कि सारे कंप्लीट करें। अगर सारे कंप्लीट नहीं भी हो पाते तो मैं जितना हो सके उतना आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद आप इन्हें सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनपीआर, तो हमने एनपीआर का फॉर्मूला देखा था, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, ये था। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास तीन लेटर्स हैं ए बी और सी, ठीक है, इन तीन लेटर्स को कितने तरह से जमाया जा सकता है, जबकि हम तीनों ही लेटर्स को लेना चाहें, तीनों ही लेटर्स को शामिल करना चाहें, तो हम इसे कितने तरह से जमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कितनी जगह हैं, हमारे पास तीन जगह हैं, थ्री प्लेसेस आर देयर, ठीक है, तीन जगह होगी जहां पे हमको इन तीनों में से किसी एक को लेकर रखना होगा, ठीक है। मतलब ए को रखें, बी को रखें, सी को रखें, यहाँ पे तीन जगह पर हमें रखना है, और तीन जगह पे रखने से हमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो जो पहली जगह है यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, मैं ए भी रख सकता हूँ, बी भी रख सकता हूँ और सी भी रख सकता हूँ, मतलब मैं तीन में से कोई सा भी एक नंबर चुन सकता हूँ, ठीक है। दूसरी जगह की बात करते हैं, ये जो दूसरी जगह है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ए रख दिया, ठीक है, अब दूसरी जगह पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, अगर मेरे पास ए नहीं रहा तो मेरे पास बी बचा और सी बचा, या तो मैं बी रखूं या तो मैं सी रखूं, ठीक है, तो मतलब मेरे पास ऑप्शन बचे दो। अब मैंने ए रख दिया और सी रख दिया, सपोज कीजिए ये रख दिया और ये भी रख दिया, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बी बचा, और मेरे पास जगह कितनी खाली बची, एक ही जगह खाली बची, मतलब मैं यहाँ क्या रखूंगा, एक, ठीक है। तो तीन में से तीन लेने थे, मतलब n भी तीन था और r भी तीन था, इसका मतलब हम क्या लिख रहे थे, थ्री पी थ्री, यही लिख रहे थे, ठीक है। तो ऊपर के फॉर्मूले से मैच कीजिए, देखें थ्री पी थ्री का मतलब n, मतलब तीन, फिर n माइनस वन मतलब कि दो, फिर n माइनस टू मतलब कि एक, इसके बाद फॉर्मूला नहीं आता, आर माइनस वन तक ही आता है, आर आपका तीन है तो आर माइनस वन हुआ दो, तो एन माइनस दो तक ही आएगा, तो आंसर क्या होगा, तीन दो एक, ठीक है। इसी तरह से हमने इस फॉर्मूले को बिल्डअप किया है, ठीक है, मतलब एक जनरल रूल से कि हम क्या कर रहे हैं उसी को निकाल के हमने इस फॉर्मूले को बिल्डअप किया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम फ्रैक्टल नोटेशन हमने लिखा था उस तक ले जाते हैं, ठीक है। तो उस तक ले जाने के लिए, उस फॉर्मूले तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं कि एन पी आर में, उस फॉर्मूले में क्या होता है कि चीज़ें गुणा होती जाती हैं, ख़त्म कहाँ होती हैं, एक पर, घटती जाती हैं और एक पर जाती हैं। यहाँ पे अभी क्या आया है, एन माइनस आर माइनस वन, इसके बाद क्या आना चाहिए था, अगर हम ये घटते हुए एक पे जाना था तो उसके बाद आना था एन माइनस आर, फिर और छोटा होता जाता। तो उसी चीज़ को जो इसमें अभी नहीं है, हम गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं। यहाँ तक तो था ही सही, अब हम n माइनस आर का गुणा किया, n माइनस आर प्लस वन का गुणा किया और इसी तरह से घटाते हुए दो इंटू एक किया। अब बराबर करना है भाई, पहले ये था और अब ये लिख दिया आपने, तो बराबर तो नहीं हुआ, तो जिसका गुणा किया उसी का ही भाग भी कर दिया। ठीक है, बराबर हो गया। अब ऊपर वाला नोटेशन फ्रैक्शनल में क्या है, तो ऊपर वाला जो नोटेशन है वो हो जाता है फैक्टोरियल n, और नीचे वाला जो नोटेशन है ये n माइनस आर से शुरू हो रहा था, तो ये जो नोटेशन है ये बदल जाता है n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल और n माइनस
आर फैक्टोरियल, इसमें ये नोटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोटेशन एनपीआर का कैसा होता है, और जो जर्नल नोटेशन है इसका हम प्रयोग कम करते हैं क्योंकि ये ओपन है, बड़ा है, इसलिए हमें सबसे कॉम्पैक्ट नोटेशन को याद रखना सबसे आसान होता है। तो एनपीआर का मान आप हमेशा याद रखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हुआ, एन चीज़ों में से आर चीज़ों को चुनकर जम बनाए जाने वाले परम्यूटेशनों की संख्या। इसके साथ ही जब हम फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बार बताया था कि क्या होता है, अगर r का मान n हो जाता तो ये हो जाता n माइनस आर, जो कि होता n माइनस एन, जो कि होता जीरो। तो जब हम फैक्टोरियल नोटेशन में कहते तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल जो कि बराबर होता n माइनस एन फैक्टोरियल जो कि बराबर होता जीरो फैक्टोरियल। तो मैंने जब आपको बताया था फैक्टोरियल का नोटेशन, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ वापस जाइए और उसको देखिए, उस नोटेशन में आपको मैंने बताया था कि फैक्टोरियल जीरो का मान होता है एक, वन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और जो हमने अभी अभी कम्प्लीट किया, आप लोगों का जो पहला एग्जाम्पल था इसी के साथ मैंने वो एग्जाम्पल कम्प्लीट कर दिया। हमारा पहला एग्जाम्पल था एन पी एन, मतलब R का मान अगर N हो जाए, या NPN, PNN, इसका मान N फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब आते हैं वापस, तो हमने देखा कि जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होता है, एक होता है। तो NPN, NPN का मान N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N फैक्टोरियल, यही हुआ ना, बराबर N फैक्टोरियल बटा जीरो फैक्टोरियल, और अभी अभी मैंने आपको बताया जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होता है, एक होता है, तो एन फैक्टोरियल बटा एक। अब किसी भी चीज़ में हम एक का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आ गया एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए क्योंकि अगर आपको कभी भी ये कहा जाता है कि जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल हैं उन सभी वस्तुओं को लेकर कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब अगर आपको पांच वस्तुएं दी हैं तो पांच फैक्टोरियल, छह वस्तुएं दी हैं तो छह फैक्टोरियल, और अगर 100 थिंग्स हैं आपके पास, 100 वस्तुएं, तो 100 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था पी एन एन इक्वल टू पी एन एन माइनस वन, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कि पी एन एन बराबर पी एन एन माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, यही हुआ पी एन एन, इसका मान एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इसका मान पता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका मान n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, इसका मतलब कि इसका मान हुआ n फैक्टोरियल बटा एक, और इसका मान हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर ये दोनों को बराबर होना है, अगर ये दोनों बराबर होने हैं तो इसका मान भी n फैक्टोरियल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है, ये हुआ n फैक्टोरियल, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये माइनस और ये माइनस मिलकर, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए। ठीक है, तो ये हो गया प्लस वन, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, यही हुआ। अब वन फैक्टोरियल क्या होता है, वन फैक्टोरियल का मान भी वन होता है भाई, जीरो फैक्टोरियल का मान तो हमने माना कि एक होता है, मगर वन का मान तो वन ही होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आया, एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर, और इसका मतलब ये दोनों बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये रिजल्ट प्रूव होता है। ठीक है,
इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व होता है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप पीछे जाके अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल पढ़ लें, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल था कि हमारे पास 8 अलग अलग रंगों के झंडे हैं, ठीक है, झंडे हैं, रिबिन हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उनमें से 5 को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे पास कितने झंडे हैं? हमारे पास 8 झंडे हैं और उन झंडों में से हमें 5 झंडों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई से भी 5 झंडे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 रंग के, और उनसे हमें अलग अलग तरह के संकेत बनाने हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 8 में से 5 को सेलेक्ट करके अलग अलग तरह के संकेत बनाने हैं। मतलब अगर मैं इसे ऐसे समझूं तो हमारे पास 5 जगह हैं, ठीक है, और 5 जगहों पर, और 5 जगहों पर हमें इन 8 में से एक को बैठाना है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हुआ? 8 हुआ, n का वैल्यू कितना हुआ? 8 हुआ। कितने एक बार में लेने? 5 लेने, तो r का वैल्यू 5 हुआ, ठीक है। तो n का वैल्यू 8, r का वैल्यू 5, तो फॉर्मूला ये क्या कहता है? तो फॉर्मूला आपका कहता है 8p5, यही कहता है 8p5 होगा। 8p5 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3, यही होगा। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था और कह सकते हैं कि मुझे इसे डायरेक्ट ही करना चाहिए था, कारण क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व किया जाता है, दूसरे फैक्टोरियल नोटेशन में बदला जाता है, मगर क्योंकि हमारा ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो हुआ 8 × 7 = 6 = 5 = 4 = 3 = 2 = 1 और 3 = 2 = 1, तो ऑब्वियसली 3 = 2 = 1 से कट जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो रेस्ट अमाउंट ऑफ चीज़ें बची हैं वो आपका आंसर आपको कंप्लीट दे देंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अब आप इसका आगे का क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करने के साथ ही कोशिश कीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन को दोबारा करें और उसमें फैक्टोरियल 8 को पहले फैक्टोरियल 3 की टर्म्स में लिखें और उसके बाद इसे सॉल्व करें, इस तरह से ना लिखें, ठीक है, क्योंकि हमारी आगे से प्रेफरेंस कभी भी ये नहीं होगी, हम फैक्टोरियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था कि 5 दिन की अवधि में 3 परीक्षाएं करवानी हैं, मतलब आपके पास 5 दिन हैं, ठीक है, उसमें 3 परीक्षाएं करवानी हैं और वो भी इस प्रकार करवानी हैं कि कोई भी 2 परीक्षाएं 1 दिन ना हो, मतलब 1 दिन परीक्षा हो तो उस दिन दोबारा परीक्षा ना हो, ठीक है। मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हम मान लेते हैं, होता नहीं है, ठीक है, मगर 1 दिन में 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि हमें 5 में से 3 दिनों को चुनना है
और इन तीनों को अलग अलग प्रकार से चुना जा सकता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट को मैकेनिकल हार्ड लगती हो, इलेक्ट्रिकल सीधी लगती हो, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर पहले हो या मैकेनिकल का पेपर पहले हो, इससे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड पेपर वो चाहेगा कि स्टार्टिंग में हो जाए तो उसे ज़्यादा टाइम मिले तैयारी का, ठीक है। इजी पेपर बाद में हो तो चल जाएगा, एक दिन की तय पढ़ाई से भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है उसे इलेक्ट्रिकल हार्ड लगती हो, मैकेनिकल ईजी लगती हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड लगती हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें 5 में से 3 दिनों को चुनना है, ठीक है। तो अगेन आपके पास n क्या है, n आपके पास है 5, ठीक है, और r क्या है, r आपके पास है 3, ठीक है, n 5 और r 3। अब आपको 5 में से 3 चुनना है, तो इसका मतलब 5p थ्री, ठीक है, 5p3 हुआ, तो 5p3 का मतलब फैक्टोरियल 5/5-3 फैक्टोरियल, ये हुआ। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए, मैंने आपको बोला था हम फैक्टोरियल नोटेशन में ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 60 × 2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 60 कैसे आया ये आपको देखना है, ठीक है, आपके आना चाहिए। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 60, मतलब आंसर हो गया आपका 60। मतलब हमारे पास 5 दिनों में से 3 दिन चुनकर परीक्षाएं करवाना, ताकि किसी भी एक दिन 2 परीक्षाएं ना हो, इसके लिए 60 तरीके हैं, 60 ऑप्शन हैं हमारे पास कि हम एग्ज़ाम कराएं किसी का भी, ठीक है। अगर अब मैं यही क्वेश्चन आपसे कहता कि आप बिना फॉर्मूले के कीजिए, तो आपको 60 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, आपका पेज भर जाता और शायद कुछ ना कुछ छूट जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, परम्यूटेशन का रोल समझ में आया होगा, हमने परम्यूटेशन को क्यों और कैसे यूज़ किया ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे के चैप्टर में, आगे के लेसन में, आगे के लेक्चर में उन वस्तुओं को अरेंज करेंगे जो हमेशा अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अभी तक जो हमने किया वो केवल उन्हीं वस्तुओं के अरेंजमेंट थे जो कि अलग अलग थी। अब बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास अलग अलग वस्तुएं ना हो, जैसे कि सपोज कीजिए आपको 10 झंडे दिए जाते हैं, ठीक है, या 10 रिबन दिए जाते हैं, ठीक है। तो 10 रिबन में से मैं कहता हूं कि 5 तो हैं ग्रीन, 3 हैं रेड और 2 हैं येलो, ठीक है। ये आपको 10 रिबन दिए गए हैं, 5 ग्रीन 3 रेड और 2 येलो, ठीक है। अब इनमें से कितने तरह के संकेत या नोटेशन बनाए जा सकते हैं, कितने संकेत बना सकते हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ आती है कि अभी तक के जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो 10 रिबन में से या 10 झंडों में से फैक्टोरियल 10, 10 के 10 लेने थे तो फैक्टोरियल 10 हो जाता। मगर अब दिक्कत क्या है कि अगर आपने इस येल्लो को पहले रखा और दूसरे येल्लो झंडे को दूसरी बार रखा तो बात तो बराबर ही है, क्योंकि वो दोनों सेम है। तो आप येल्लो येल्लो को कितनी बार घुमाएंगे, तो आप घुमा नहीं सकते। तो जब आप घुमा नहीं सकते तो उसमें अंतर आएगा नहीं, जब उसमें अंतर आएगा नहीं तो वो अलग परम्यूटेशन काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर संख्या का अंतर आ जाता है। तो इसी अंतर को समझने के लिए हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, उन चीजों का परम्यूटेशन जो सभी भिन्न भिन्न ना हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इसी के कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे दें। चलिए, थैंक यू।